हमेशा विवादों में रहने वाला रायसेन का जल संसाधन विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार कारण है रायसेन जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित अमरावत डैम। इस डैम में मरम्मत के नाम पर लाख रुपए भूक दिए गए, लेकिन ग्रामीणों को फसलों के लिए मिलने वाले पानी को रोका नहीं जा सका। लाखों लीटर पानी प्रतिदिन बह रहा है, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। हमेशा विवादों में रहने वाला रायसेन जिले का जल संसाधन विभाग इस बार फिर सुर्खियों में है। कारण है जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित अमरावत डैम। इस डैम से हो रहे पानी के लीकेजों को रोका नहीं जा सका है और लगभग 9 जगह से लाखों लीटर पानी प्रतिदिन बह रहा है। आपको बता दें कि इसी वर्ष गर्मी के मौसम में जल संसाधन विभाग के मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भी इसी डैम पर श्रमदान किया था और विभाग को निर्देश दिए थे कि एक एक बूंद पानी को बचाया जाए, लेकिन विभाग ने मंत्री के आदेशों का ही मखौल बनाया है और मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए की राशि तो निकाल ली, लेकिन डैम में मरम्मत के नाम पर चंद बोरियों में मिट्टी भरकर इतिश्री कर ली है। इस कारण लाखों लीटर पानी प्रतिदिन इस डैम से बह रहा है। ग्रामीण परेशान है और ग्रामीणों का कहना है इस पानी के रिसाव को अगर नहीं रोका गया तो आने वाली फसलों के लिए हमको पानी नहीं मिलेगा और हमारी फसलें खराब हो जाएगी। इसमें सही तरीके से ना तो काम हो रहा और ना इसमें कोई सुधार हुआ है अभी तक। किसानों को इससे बहुत नुकसान हो रहा, क्योंकि इसका पानी समय से पहले खत्म हो जाता है। एक पानी या दो पानी मिल पाते किसानों के लिए, हर टूट रही है उसमें से बहुत पानी लीकेज हो रहा है और उसका कोई सुधार नहीं होता, और होता भी है तो थोड़ा बहुत कर उठे और उसकी फॉर्मेलिटी कर देती है। एक होता है गांव हमारा बह जाएगा, नीचे के गांव और बहुत गांव है वो भी उनको नुकसान होगा, वो भी बह जाएंगे सारे। और हुआ है ऐसा एक दो बार पहले, तो पहले भी टूट चुकी है। हाँ, पहले भी हमारा बनखड़ी का हुआ भी हुआ है और सांचर का नीचे जो गाँव है उसमें बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इस विभाग के सब इंजीनियर लेकर SEO और इस विभाग की ही जिम्मेदार अधिकारी प्रतिभा सिंह ना तो कभी ऑफिस में बैठती है और ना ही कभी फोन उठाती है। इस विभाग में इक्के दुक्के कर्मचारी ही यहां काम करते देखे जा सकते हैं। इस डैम से जगह जगह पानी का रिसाव होने के मामले में रायसेन कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे का कहना है मामले की जांच कराएंगे और जहां से भी पानी का रिसाव हो रहा है उसे बंद कराएंगे और जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। ये हर डैम की एक तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि सुरक्षा रहे, जिस पर्पस के लिए डैम बना है तो वो पर्पस पूरा हो। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो WRD उनको बोलता हूँ कि इसमें एक मुझे प्रतिवेदन दें और इस तरह का यदि कहीं कोई लीकेज या सीपेज हो रहा है तो उसको भी रोकने की तत्काल कार्रवाई करें। वहीं स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का कहना है किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे, अगर पानी का रिसाव हो रहा है तो उसको रोकेंगे और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, आपने जिस सुधार कार्य के बारे में ध्यान आकर्षित किया है, मैं उसका संज्ञान लेके अधिकारियों को निर्देशित करूंगा कि इसके ऐसे कौन से कारण हैं, जिन कारणों के कारण वो रिपेयर काम पूरी तरह से सफल नहीं हुआ उसको दिखवा लेते हैं और निश्चित रूप से उसमें यदि और सुधार की आवश्यकता होगी और राशि की आवश्यकता होगी तो उसको स्वीकृत कराने का काम करेंगे, और यदि उस राशि में जो काम हुआ है उसमें यदि कोई गड़बड़ी होगी तो दूसरे को दंड देंगे। वहीं ग्रामीणों की माने तो ग्रामीण गोवर्धन विश्वकर्मा का कहना है कि इस डैम में विगत दिन कई वर्षों से पानी के रिसाव को रोकने के लिए मरम्मत कार्य कराए जाते हैं, लेकिन अभी कार्य सही से नहीं होता और सरकारी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इस कारण डैम से पानी की निकासी बराबर होती रहती है। हर बार उसमें गड्ढे हो जाते हैं बड़े बड़े, हर बार उसमें सही कर जाते हैं काम, लेकिन सही से नहीं हो पा रहा है, जगह जगह से पानी निकल रहा है, कई बार बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, कई बार कायदे से काम हो एक बार मतलब कि मजदूर चला हो सके और गांव वाले सुरक्षित रह सके, कई जगह से बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, पानी बहता रहता है जगह जगह से, कभी भी दिक्कत कर सकते हैं, कभी टूट सकता है, बहुत ही कमजोर बोरी सर ऐसी हर साल भराती है, मतलब हर साल ला के बोरी भर देते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उसके बाद उसमें हर साल बोरी ला के और लगा देते हैं, मतलब हर साल की समस्या है। हाँ सर, वो पानी भी निकलता है, वो तो जगह जगह से निकल रहा है पानी, पूरे तालाब में निकलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छी मरम्मत हो इसका, अच्छी सरकारी हो, जो डैम में जहाँ भी लीकेज हो रहा है वहाँ पर सीमेंट करा दिया जाए और
देख रेख भी उसकी अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। और जो ओवर ब्लू बना है उसका जो पानी नहीं निकल के उसमें पूरा बेस्टी है ऊपर से निकलना चाहिए पानी, क्यों किसानों के लिए पूरा पर्याप्त पानी नहीं है, एक पानी होता है दो पानी होता है, इसके अलावा पानी ट्रेंड होता है, नीचे के गांव सब पे जाएंगे फसल ही पूरी चौपट हो जाएगी। इसमें सरकार द्वारा बजट आता है हजारों लाखों रुपए में, तो सरकार द्वारा आता है तो कर्मचारियों को अच्छे से काम करना चाहिए उनके लिए।